mueve todo ese booty tan chulita como Anita. ¿Are Sani? Mamá. ¿Tú cómo? Dice. सब घर पे है। अरे पानी नमस्ते। तो मामा के पैर नहीं छूते। क्या नहीं छूते? पैर नहीं छूते। शाबाश शाबाश। नमस्ते मामा। केशरम पैर नहीं छुएगा? आप ही ने तो बोला कि पैर नहीं छूते। आजा कौन ये? तो ब्लेसिंग ले। भांजे मेरी एक फ्रेंड से मीटिंग है, तो तुम क्या हेल्प कर सकते हो इंग्लिश में मुझे बात करने के लिए? हाँ मामा, ओके। गर्लफ्रेंड? अबे नहीं तो क्या? तो कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट डिप्रेशन। फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। आप इतने झंड इंग्लिश से बात करोगे मामा, वो इतने फ्राटेदार इंग्लिश बोलेगी। इसलिए तो भांजी तुझे बोल रहा हूँ, जो इंग्लिश में बोला जाता है ना, हाय हेलो हाउ आर यू, ये सब मुझे सिखा दो। उसकी फ्रेंड हो या उसकी माँ हो। खाना खा लिया? नहीं खाया? खा लिया तो सो जाओ, दवा लो। नहीं लिया तो दवा ले लो मुँह में, ये वो। इतनी चिंता क्यों है आपको उसकी? मुझे नहीं पता, मुझे बस फटाफट सिखा दे। गर्लफ्रेंड रखना बहुत पाप है। अरे ऐसा क्यों? दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। मामा मैं तो चलाना नहीं होना है। अरे चल भाग यहाँ से, क्या कर रहा है? चल हट, नौटंकी मत कर मेरे सामने। क्या गुनाह है गर्लफ्रेंड रखने में? बचपन में पैदा होते ही उनके सर पे कैरियर का बोझ डाल देते हैं। स्कूल में तो पढ़ाई होता नहीं है। सुबह सुबह बैग लेकर निकलते हैं तो लगता है कि पत्थर तोड़ने जा रहे हैं। और स्कूल में होमवर्क अलग, क्लास वर्क अलग, सबका बुक अलग अलग रहता है। बार पीटी पीरियड में सब्स्टिट्यूट टीचर आ जाता है, इनका पीरियड तो मातम में बदल जाता है। कभी टीचर को पढ़ाने का मन नहीं रहता है तो बच्चों को पूरा होमवर्क ही दे देते हैं चैप्टर के। जाओ घर से करके लाओ, घर से करके लाओ। इसको ही देख, अलजेब्रा में तो घंटा कुछ नहीं आता, अपनी एक्स को तो बुला नहीं पा रहा है और अलजेब्रा की एक्स को अचार डालेगा। मैं तो ऐसे बुरी तंचुली तक मानी था।